सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो के A53 डिवाइस के बारे में और इसके कलर OS 11 बेस्ट ऑन एंड्रॉइड 11 अपडेट को लेकर एक बहुत ही ज्यादा जो बड़ी बिग न्यूज है जो कि यहाँ पे सामने निकल के आ रही है ओप्पो की ओर से। सो आज की इस वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे। आपको बहुत ही जल्दी कलर OS 11 बेस्ट ऑन एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है जो कि यहाँ पे देखने को मिलने वाला है ओप्पो की ओर से ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि कौन सी डेट के अंदर आपको अपडेट है जो कि यहाँ पे मिलने वाला है। सो अगर आप लोग एक ओप्पो A53 डिवाइस के यूजर हैं, सो कंप्लीट इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ओप्पो के A53 डिवाइस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत ही लंबे समय के बाद में कोई एक बड़ा मेजर अपडेट है जो कि यहाँ पे आने वाला है ओप्पो A53 डिवाइस के अंदर, जो कि यहाँ पे होने वाला है कलर OS 11 बेस्ट ऑन एंड्रॉइड 11। अगर हम बात करें कि आपको ये अपडेट है वो यहाँ पे कब तक देखने को मिलने वाला है, सो ओप्पो की ओर से अप्रैल का जो मंथ है वहाँ पे यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि ऐसे कौन कौन से डिवाइस है ओप्पो के उनके अंदर आपको कलर OS 11 का जो अपडेट है जो कि यहाँ पे मिलने वाला है। सो ओप्पो की ओर से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि ओप्पो A53 जो डिवाइस है इसके अंदर आप लोगों को अपडेट 27 अप्रैल को यहाँ पे कन्फर्मली देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 27 अप्रैल के अंदर ही, मतलब कि इसी मंथ के अंदर अंदर आपको कलर OS 11 बेस्ट ऑन एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है जो कि यहाँ पे कन्फर्मली देखने को मिलने वाला है। सो ये डेट कन्फर्म नहीं है, मतलब कि वैसे तो कन्फर्म है 27 अप्रैल को दिया जाएगा, लेकिन 26 या फिर 25 को भी आपको ये अपडेट है जो कि यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो अगर आप लोग एक ओप्पो A53 डिवाइस के यूजर हैं, सो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एक्टिव रहना होगा क्योंकि आपको सिर्फ 1 से 2 आवर के लिए अपडेट है जो कि यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, ये एक आपको बीटा अपडेट है, बीटा वर्जन है जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे बग है वो भी यहाँ पे कन्फर्मली देखने को मिलने वाले। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अपने डिवाइस को यहाँ पे यूज करते हो तो इस अपडेट को बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करना, क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि यहाँ पे फेस करनी पड़ जाएगी अगर आप लोग कलर OS 11 का एक बीटा अपडेट है जो कि यहाँ पे इंस्टॉल कर लोगे। थोड़े समय के बाद में स्टेबल अपडेट है जो कि यहाँ पे कन्फर्मली देखने को मिलने वाला है कलर OS 11 का, सो आप लोग उसको भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप लोग अपने डिवाइस को लाइटली यहाँ पे यूज करते हो तो इस अपडेट को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। और जब भी ये जो अपडेट है जो कि यहाँ पे रिलीज होगा और कोई नई न्यूज है जो कि यहाँ पे सामने निकल के आएगी ओप्पो की ओर से, तो मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल पे वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।